हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया हूँ एक मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा कोपा अमेरिका लीग का। चाइल्ड वर्सेस परेग्यू के बीच मैच होने वाला है 4 घंटे 9 मिनट के बाद। वैसे इसकी वीडियो बनाने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने कहा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए। मॉर्निंग मैच है, अगर आप ये खेलने वाले तो वीडियो काफ़ी काम की है। तो इस मैच की अगर हो सकी तो फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम एबी रॉक ड्रीम 11 टीम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, और किसी भी चीज़ के रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मैच के लिए। तो चलते दोस्तों आगे, बात करूं मैं इस मैच की, चाइल्ड वर्सेस पीएआर के बीच जो मैच होने वाला है, इसके अंदर अगर मैं फेवर की बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी जनता गलती करने वाली है भाई, आपको बताता हूँ क्या क्या गलती, और अब वो आपने नहीं करनी, ठीक है। हाँ, तो गाइस मैं सबसे बात करूँ सबसे पहले फेवर की, तो यहाँ पे आपने जिसको फेवर करना है वो है पीएआर। पीएआर के जीतने के चांसेस हैं 70% और चाइल्ड के जीतने के चांसेस 30%। अब आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उल्टा है ही नहीं भाई, जो सही है वो मैं आपके सामने। और आगे से बात करूँ सबसे पहले गोल कीपर की, सी ब्रावो को लेने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सी ब्रावो को क्यों चुना, भाई अगर मैं चाहता तो पीएआर के इस प्लेयर के साथ जा सकता था, लेकिन ब्रावो जो प्लेयर है उसका पेनल्टी सेविंग रेशियो बहुत ख़राब है, और ये हमारे लिए बहुत काम की बात है। आज अगर आप ध्यान से सोचो तो पीएआर का जो पेनल्टी टेकर्स हैं वो बहुत ही कॉमन है, वो सबकी टीम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एज अ कैप्टन आपको किसी की भी टीम में देखने को नहीं मिलेंगे। और क्यों नहीं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ पे लूँगा जी मेडल को। जी मेडल को मैं नॉर्मल प्लेयर के तौर पे ले रहा हूँ, एक्चुअली ये पहले बंदा मिडफील्डर रह चुका है, पता नहीं इसको डिफेंडिंग सेक्शन में क्यों डाला है, क्या सोच के डाला है, इसलिए भाई ये तो एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पर मैंने लिया है। आगे से जो मैं प्लेयर ले रहा हूँ वो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन डिफेंडर, जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो आज के मैच के अंदर आपको काम आ सकता है, भले इसका 2 बार से ड्रीम टीम में नाम नहीं आ रहा यूरो लीग में, बट आज आ सकते हैं। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जी गोमेज। तो जी गोमेज ने फर्स्ट मैच बॉलीविया के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त खेला था, इंस्क्रिप्शन और टैकल्स वॉन जो इसने किए थे वो देखने वाले थे, मतलब अगर आप मैच अगर देखा होगा तो आपको पता होगा क्या खेला था ये प्लेयर। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, एक और प्लेयर एल्बर्टो। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कभी भी पॉइंट्स देख के या बंदे का नाम या क्रेडिट देख के उसको मतलब जज मत किया करो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये प्लेयर जो है ये इसका ड्रीम टीम में नाम 2 बार से रेगुलर आ रहा है, बस आज इसको क्या करना है। अगर क्लीन शीट लगती है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगती तो भी ठीक है, क्योंकि ये प्लेयर अपने पॉइंट्स अर्न करना जानते हैं। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, ए वाइडल जो है वो पेनल्टी टेकर है चाइल्ड का, बट बैड लक से इनको पेनल्टीज़ मिल रही हैं बट काम नहीं आ रही, इसलिए मेरे को चाइल्ड का थोड़ा सा टेकिंग रेशियो थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, इसलिए मैंने जो गोल कीपर चुना है वो भी उल्टा नहीं चुना, मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि वाइडल चाहे अगर आज पेनल्टी आती तो आज पेनल्टी किक पे अच्छा कर सकता है, जीएल के लिए बता रहा हूँ। एम एलमिरॉन की बात करूँ तो एलमिरॉन ने बॉलीविया के सामने ज़बरदस्त असिस्ट की थी। एलमिरॉन ज़्यादा गोल्स नहीं करता यूरो लीग के अंदर, मैं पहले ही बता दूँ, ये प्लेयर एक नॉर्मल असिस्टर है, ये गोल पूरे सीज़न के अंदर बस एक आधा गोल करता है पूरे सीज़न के अंदर, बात चल रही है यहाँ पे। आगे से बात करूँ नेक्स्ट की, यहाँ पे एक प्लेयर है, एक आप ध्यान से सुनना, इसका नाम है एलेजेंड्रो रोमेरो, और एक प्लेयर है जो कि है एंजल रोमेरो। मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी पेनल्टी टेकर, और ये एंजल रोमेरो है प्राइमरी पेनल्टी टेकर, और कॉम्बिनेशन जो आपने देना है ये जीएल के लिए बहुत हिट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये दिखने में मिडफील्डर है बट ये बहुत ही बड़ा स्ट्राइकर है, बहुत ज़्यादा बड़ा। एंड आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, ई वार्गस को लूँगा। वार्गस को सारे लोग कैप्टन रखेंगे, आपने गलती नहीं करनी, मैं मानता हूँ रगल मतलब लगातार हैट्रिक गोल्स तो नहीं कर रहा लेकिन असिस्ट भी कर रहा है, मतलब एक तरह हैट्रिक ही मान लो, असिस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। तो यार वार्गस अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको जिस पे भरोसा करना है वो है एंजल रोमेरो। मैं फिर कह रहा हूँ इसको, ये पेनल्टी टेकिंग रेशियो बहुत तगड़ा है, जो बंदा हर टीम के सामने अच्छा कर सकता है मेरे को लगता है कि आज चाइल्ड के सामने बहुत अच्छा करेगा। बी ब्रेटन की बात करूँ, ब्रेटन को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता कि चाइल्ड कितने गोल करे, इसलिए असिस्टर की बहुत ज़रूरत है। आगे से बात करूँ कैप्टन की, तो ये कॉम्बिनेशन तो मैंने जीएल के लिए था, बट अगर आपको स्मॉल लीग खेलनी है तो ये मिनी जीएल और स्मॉल लीग जीएल जो मर्जी इसके लिए मतलब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, लेकिन स्मॉल लीग के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत माइंडेड है, क्योंकि एंजल रोमेरो पेनल्टी टेकर और ए रोमेरो जो दूसरा है वो है स्ट्राइकर, दिखने में मिडफील्डर है, तो ये बहुत फायदे की बात है। अगर सेफ जाने देन वार्गस इज़ बेस्ट, बट इन दोनों पे मैं तगड़ा रिस्क लूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।